नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों की भारी मांग पर अब कालचक्र में होगा सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान। अब पूरे शो में पंडित जी सुनेंगे आपके सवाल और देंगे सटीक जवाब। देखिए कॉलर्स स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, कालचक्र में कॉल ना लगने की वजह से अगर आप भी अब तक परेशान हुए थे तो आज आपकी ये मुश्किल आसान होने वाली है, क्योंकि आज का कालचक्र सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉलर्स के नाम ही रहने वाला है। आज पूरे शो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉलर से ही बात करेंगे, आपकी परेशानी सुनेंगे, आपके सवाल, आपकी समस्याएं और सुझाव, और उनकी परेशानियों को बड़े ध्यान से पंडित जी सुनेंगे। हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनकी शिकायत ही रहती थी कि उनका कॉल हम अपने शो में शामिल नहीं कर पाते हैं, उनका कॉल लग नहीं पाता है, किसी भी वजह से बात नहीं हो पाती है। तो इसी समस्या और दर्शकों की भारी मांग पर अब हफ्ते में एक दिन पूरे शो में पंडित जी सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे। तो अगर आपका कॉल अभी तक कालचक्र में नहीं लग पाया है, आप परेशान हुए हैं हमारी वजह से, क्योंकि हम जानते हैं समय की पाबंदी रहती है तो सारे कॉल्स हम नहीं ले पाते हैं, इसीलिए हफ्ते में ये खास दिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर हम आए हैं। तो आज आपके लिए बेहतरीन मौका है, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और 01206652411 इस नंबर को डायल करें और सीधे पंडित जी से लाइव जुड़ें, उनसे बात करें, कॉल्स का सिलसिला शुरू करें। चलिए उससे पहले जान लेते हैं जिसका सबसे पहले आपको इंतजार रहता है, यानी कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है आपके लिए। 3 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर 1:09 तक, इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र शाम 4:42 तक, इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। सूर्य योग दोपहर 3:08 तक, इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे आज मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक, यमगंड काल रहेगा सुबह 9:35 से सुबह 10:53 तक, और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:11 से दोपहर 1:29 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें। जय मां विंध्यवासिनी। क्योंकि आज का ये शो हमारे कॉलर्स के नाम है, तो चलिए उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे आज के पहले जो कालचक्र दर्शक हैं फोन लाइन पर मौजूद हैं, बनारस से अभिषेक जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। पंडित जी नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ वाराणसी से। मेरी उम्र 57 साल है। मेरे दो प्रश्न है पंडित जी। पहला प्रश्न अपने पुत्र के बारे में है, उसका नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव है, जन्म 15 दिसंबर 2004, 3:24 अपराहन पानीपत का है। वो इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का छात्र है पंडित जी। उसको किस तरह का जॉब मिलेगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा? और दूसरा प्रश्न पंडित जी मेरे स्वयं के बारे में है, मेरा आगे जॉब कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, आपके बेटे के बारे में जो आपका प्रश्न है, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, आपके बेटे की नौकरी भी इंजीनियरिंग के ही क्षेत्र में रहेगी, पढ़ाई पूरी करते ही नौकरी मिलेगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कभी कभी उसके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है, जो कभी कभार जो है हेडेक, माइग्रेन जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। भविष्य के बारे में जहाँ तक बात है, तो बेटे के भविष्य को लेकर के कोई चिंता की बात नहीं है, वो अपने बलबूते पर अपना जीवन निर्वाह कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो थोड़ा सा आपको पेट उदर विकार से सावधान रहना चाहिए, तेल घी वाली चीज़ें कम खानी चाहिए, छठे भाव का बृहस्पति का होना ऐसे में लीवर से संबंधित हल्की फुल्की बीमारी पैदा करता है। बाकी भविष्य आपका ठीक है, उम्र आपकी ठीक है, आयु आपकी ठीक है, और अभी किसी प्रकार के कोई गंभीर रोग की संभावना नहीं है। हाँ, अगर कर सकते हैं एक उपाय तो आपको करना चाहिए, आधा किलो दही और आधा किलो चीनी
ये 6 शुक्रवार किसी धर्मस्थान में कुछ दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना दिखाई देगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और हमारी अगली दर्शक जो है इस वक्त मुरादाबाद से अंजू जी जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है कालचक्र में, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी पंडित जी, राधे राधे। श्री राधे, क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम अंजू गुप्ता है, मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ। जी जी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18/12/1992। जी। दिन के 12:10 जी। जन्म स्थान है संभल, और मैं इसकी नौकरी और शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि नौकरी सरकारी लगेगी या प्राइवेट, और शादी कब होगी? देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है, उससे आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है। मंगल और सूर्य की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। सरकारी नौकरी का योग तो बड़े मुश्किल से दिखाई दे रहा है, शायद ही सरकारी नौकरी मिले। अब इनकी 32 साल की उम्र हो गई है, इन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इन्हें रोजगार परख हो जाना चाहिए। मंगल नीच राशि का है, इसलिए सरकारी नौकरी की संभावना बिल्कुल क्षीण है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में अगर हाथ आजमाएं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और अच्छी सफलता मिल सकती है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सप्तम है। अभी योग्य रिश्ता भी नहीं आ रहा है, अभी योग्य विवाह भी नहीं आ रहा है, योग्य रिश्ता भी नहीं आ रहा है। अभी जहाँ तक मेरा अनुमान कह रहा है कि विवाह में कम से कम नवंबर दिसंबर 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 तक का विलंब बना हुआ है। विवाह हो अच्छा, इसके लिए इन्हें चाहिए कि दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्त्रोत है, उसमें एक मंत्र है, ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देह मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। इस मंत्र का अगर 10 माला जप 125 दिन कर लें तो निसंदेह, देखिए विवाह तो होगा ही, लेकिन विवाह होना बड़ी बात नहीं होती है, अच्छी जीवन संगिनी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छी जीवन संगिनी और अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो समझ लीजिए कि उस आदमी का जीवन धन्य हो गया। तो अगर थोड़ा देवी देवताओं की उपासना किया जाए तो निश्चित रूप से देवी देवताओं का जो सिलेक्शन होगा वो हमारे भविष्य के लिए अच्छा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप चूंकि माँ हैं और आप कल सास बनेंगी, इसलिए आपको भी चाहिए कि बेटे की शादी के पहले 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा और 1 मोती की माला किसी वेद पाठी, जो वेद पाठ में लगा हुआ हो, जो धर्म कर्म पूजा पाठ में लगा हुआ है, ऐसे किसी सत्पात्र को देख करके सोमवार के दिन दान करिए। जब आप मोती दान करेंगी तो निश्चित रूप से आपको अच्छी बहू मिलेगी, संस्कारित बहू मिलेगी, और आपके घर परिवार में 4 चांद लगाने वाली बहू मिलेगी, जिससे आपका भी जीवन मंगल हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आप जानते हैं कॉलर्स स्पेशल कालचक्र है, तो देर मत कीजिए, अपना फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और लाइव पंडित जी से बात कीजिए, क्योंकि ये दर्शकों की भारी भरकम डिमांड पर ये खास दिन आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो ये कालचक्र में हफ्ते में एक दिन आपके नाम रहेगा। इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना नाम बताकर सवाल कीजिए पंडित जी से। दीपू जी, आप प्रयागराज से बात कर रहे हैं, सवाल कीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, हमारा 2 सवाल है, मेरा और मेरे बच्चे के बारे में। हमारी एक जगह चांदी फंस गई है, वो हमें मिलेगा कि नहीं? अमर नाम से, अमर निषाद के नाम से है वो, हम से लेके भाग गया हुआ है, वो मिलेगा हमें कि नहीं मिलेगा? और हमारा भविष्य कैसा रहेगा, हमारा व्यवसाय कैसे चलेगा? और मेरा दूसरा, मेरा बच्चे के बारे में है, मेरे बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा? उसका जन्मतिथि है 3/1/2008 दिन गुरुवार, रात के 9:35 पर। देखिए, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि आपके धन भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में कर्क राशि में गोचर कर रहा है। जो सामान आपका गायब हो गया है उसके मिलने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। अगर आप चाहते हैं कि वो मिले तो आपको हनुमान चालीसा के और बजरंग बाण के 10-10 पाठ सुबह शाम 100 दिनों तक करना चाहिए। फिर भी अगर मिल जाता है तो ये आपकी खुशकिस्मती है, क्योंकि जब धनेश नीच राशि में होता है तो ऐसे लोगों का गया हुआ धन वापस
बड़े मुश्किल से ही आता है। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा है दीपू अपने बेटे के बारे में, तो चंद्रमा से कर्क राशि से द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य और सप्तम का स्वामी शनि है। सूर्य और शनि की जो स्थिति बन रही है वो बृहस्पति से इत्तेसाल नहीं कर रही है। बेटे को खूब पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा इंसान बनाइए। अभी वर्तमान समय उसका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, अब वो 16 साल का हो रहा है, अभी उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चल रही है, उसके पढ़ाई पर और ध्यान देने की ज़रूरत है, पढ़ाई पर और फोकस करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दीपू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके रोग स्थान में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, सर्दी जुकाम एलर्जी के रोगों से इसको बचाने की बहुत ज़रूरत है। रात में मूली चावल आइसक्रीम ये सब चीज़ें उसे खाने के लिए बिल्कुल ना दें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज का दिन और आज का ये शो हमारे दर्शकों के नाम है, तो आप देर मत कीजिएगा, जल्दी से नंबर डायल करें और पंडित जी से लाइव जुड़ें और अपने सवालों के जवाब जानें। अब हम राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हुए जानते हैं कि आपकी आज की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक, शुभ रंग जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी अपनी नीच राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, धन भाव का स्वामी शुक्र परस्पर सप्तम हुआ है, ऐसे में आपके सामने अचानक बड़ा खर्चा आ सकता है। काम में तो मन लगेगा और समय पर काम भी आप पूरा कर पाएंगे। जीवन साथी से मतभेद के योग हैं, आँख में तकलीफ हो सकती है, सट्टेबाजी से बचने का प्रयास करें, लाल कपड़े कन्याओं को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। प्रयागराज से एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अमिता पांडे जी, स्वागत है, सवाल कीजिए पंडित जी से अपना। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अमिता जी। 10 साल से ट्राई कर रहे थे, आज आपका फोन लगा, धन्यवाद। पंडित जी, हम अपनी बेटी और बेटा के बारे में पूछना चाह रहे थे। हमारी बेटी का जन्म है 15 नवंबर 1994, समय है 3:25 जी सवेरे सुल्तानपुर में जी, और बेटे का है 13 मार्च 1993 11:40 AM सुल्तानपुर। बेटी के बारे में पूछना चाह रहे हैं उसकी शादी और ट्रांसफर के बारे में, और बेटे शादी का और ट्रांसफर उसको वो चेन्नई में पोस्टेड है, हम चाहते हैं इधर नॉर्थ जोन में आ जाए। अच्छा, तो और बेटे के बारे में क्या जानना चाहती हैं? चलिए मैं बता देता हूँ, आपके पुत्री के विवाह के बारे में आपका प्रश्न है। तो सूर्य और शनि दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम है, ज़्यादा से ज़्यादा इस साल अप्रैल मई तक बेटी की शादी कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगी। अगर बहुत लेट होगा तो नवंबर और दिसंबर 2025 तक शादी हो जाएगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बेटी से कहिए कि रोज़ सूर्य को जल दिया करे, अगर वो रोज़ सूर्य को जल देगी तो और गायत्री मंत्र बोलेगी तो निश्चित रूप से उसका स्थानांतरण उसके मन चाहे स्थान पर हो जाएगा, वो वहाँ आ जाएगी जहाँ वो चाहती है। जहाँ तक बेटे के बारे में आपका प्रश्न है, जिद्देप आपका बेटा बड़ा है तो उसके बारे में आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है शुक्र है, और उसके आधार पर अगर देखा जाए तो द्वितीय और सप्तमेश मंगल है, मंगल का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल है। बेटे का भविष्य ठीक है लेकिन बेटे का भविष्य मध्यम है। बेटे को चाहिए कि ये मंगलवार का व्रत करे और हो सके तो हनुमान जी की उपासना करे, जिससे ये अपने जिम्मेदारियों को अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से निर्वाह कर पाए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये हमारी दर्शक जिनका 10 साल बाद आज फोन लगा है और पंडित जी से बात करने का नहीं मौका मिला, इसीलिए इसी वजह से क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनसे बात पंडित जी नहीं कर पाते हैं टाइम की वजह से, तो हफ्ते में एक दिन आपके नाम है, आज आपके पास मौका है, जल्दी से नंबर डायल करें और पंडित जी से बात करें। अब वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं, तब तक आज आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथ ही आज का उपाय क्या है, शुभ अंक और शुभ रंग भी आपके लिए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है,
आपका शुक्र भाग्य स्थान में है, राशि स्वामी है आपका, ऐसे में अच्छा मनी मैनेजमेंट, अच्छी अर्थव्यवस्था आपको बचत कराएगा। आज आप काम तेजी से पूरा कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ेगा, परिवार के साथ समय व्यतीत होगा, सेहत का साथ मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। किन्नरों को कुछ दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चले एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना नाम बताकर सवाल करें पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम हर्षित वर्मा है जी। मैं लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 8/1/1998 जी, रात के 2:29 जी। मुझे अपने करियर के बारे में सवाल पूछना है, अपनी जॉब के बारे में, कि मतलब सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि एक साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरा पेपर हुआ बट वो कैंसिल हो गया, और TCS का पेपर अब इसी महीने में 22 तारीख को लगा हुआ है। हेमंत बाबू ऐसा है, हर्षित ऐसा है कि आपके दशम भाव का स्वामी मंगल और चंद्रमा के साथ सदाष्टक योग है, किसी न किसी परेशानी के कारण सरकारी नौकरी से आप वंचित हो रहे हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर पूरी निष्ठा और लगन के साथ आप लगे रहेंगे तो 2025 के अंत से लेकर के 2026 के अप्रैल मई तक आपको सफलता मिल जाएगी सरकारी नौकरी में और प्रशासनिक सेवा में मिलेगी। लेकिन इसके लिए सिर्फ मेरा कहना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद और थोड़ा सा परिश्रम दोनों की जरूरत है। तो उपाय आपको करना क्या है ये मैं आपको हर्षित जी बताना चाहूँगा। उपाय आपको ये करना है कि आपको हर मंगलवार की शाम को एक बार सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ करें, खान पान शुद्ध रखें, आचरण ठीक रखें और पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, क्योंकि भाग्य तो मेहरबान है लेकिन कर्म भी करिए, थोड़ा पुरुषार्थ भी करिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी अच्छे पद पर नियुक्त हों तो उसके लिए अभी थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। मंगलवार की शाम को अगर आप हनुमान जी की पूजा करके और सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 2026 के अप्रैल मई तक आपको किसी न किसी नौकरी में नियोजन मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं, आज आपका दिन कैसा रहने वाला है जानते हैं। देखिए मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनु राशि में चंद्रमा की स्थिति है, ऐसे में आमदनी बढ़ने का पूरा संयोग बना हुआ है, लेकिन भाई खर्च भी बढ़ सकता है बृहस्पति के व्यय भाव में होने के कारण। बेहतर ढंग से काम करेंगे तो मान सम्मान भी बढ़ेगा, रिश्तों की समझ बढ़ेगी और रिश्ता पक्का हो सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेन देन से पहले लोगों की परख जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की भी हम बात कर लेते हैं, आपका दिन आज कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य कितना साथ देगा जानते हैं। देखिए कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि में नीच का मंगल है। आपका राशि स्वामी चंद्रमा छठे भाव में धनु राशि में गोचर कर रहा है आज, तो धन को संभालिए क्योंकि एकाएक आपका खर्चा बढ़ सकता है। जहां तक कामकाज का प्रश्न है तो काम का बोझ बढ़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी, आपको पूरा पेशेंस रख करके काम करना चाहिए। जीवन साथी के साथ कठोर ना हो, पड़ोसियों से झगड़ा संभव है। पैरों या कंधों में दर्द हो सकता है, इच्छा शक्ति में कमी आ सकती है। घमंडी लोगों से, अहंकारियों को
अहंकारी लोगों से सावधान रहें, गाय को रोटी खिलाएं। शुभंक आपके लिए एक है, शुभरंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और बहादुरगढ़ से इस वक्त हृदय नारायण जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कालचक्र दर्शक, स्वागत आपका, सवाल कीजिए अपना पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। पंडित जी मेरी उम्र है 63 साल जी, और मैं LIC एजेंट हूँ। मेरा काम धंधा नहीं चलता और घरवाली मेरी बीमार रहती है 1.5 साल से। इसका कुछ उपाय बताएं। भैया ऐसा है कि द्वितीय सप्तम के स्वामी सूर्य शनि हैं और सूर्य शनि का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल नहीं चल रहा है। पिछले 5-7 सालों से जिंदगी एकदम रुक गई है। और हृदय नारायण जी, आपके पत्नी भाव का स्वामी शनि अपने भाव से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है, इसलिए उन्हें मतलब कि नसों से संबंधित, एलर्जी से संबंधित आपकी पत्नी को समस्याएं गंभीर हो रही हैं। पहला उपाय तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप रोजगार परक हों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप नित्य 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर नित्य 10 बार आप सुबह स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे और ये उपाय 100 दिनों तक अगर आपने लगातार कर लिया और सात्विक भोजन करते हुए कर लिया, तो मुझे विश्वास है कि अभी भी इस उम्र में भी, 61 साल की उम्र में भी आप अभी रोजगार परक रहेंगे। दूसरी बात जो पत्नी के स्वास्थ्य का है, तो देखिए ऐसा है कि अगर आपकी पत्नी पीपल के पेड़ के नीचे तक जा सकती हैं तो वहाँ जा कर के शाम को एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें कच्चा सूत लपेटते हुए। ये उपाय अगर ये 7 शनिवार कर लें तो मुझे पूरा विश्वास है कि छोटी छोटी दवाई की टेबलेट भी इनके लिए रामबाण बन जाएगी और इनकी सेहत ठीक हो जाएगी। ये उपाय इनसे करवाइए, क्योंकि शनि का ही ग्रह चल रहा है जिसके कारण नसों में खिंचाव, नसों से संबंधित बीमारी और एलर्जी से संबंधित बीमारी, रक्त से संबंधित बीमारी, ये सब बीमारियां पकड़ती हैं। तो अगर ये उपाय करेंगी तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। फिर से आप सभी के प्यार, विश्वास और भारी मांग के चलते आज हम आपके लिए कॉलर से स्पेशल कालचक्र लेकर आए हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको अपनी हर मुश्किल का आसान रास्ता। तो लगातार हमें कॉल करें, फोन करें और प्रॉब्लम्स का, जो आपकी परेशानी है उसका इजी सॉल्यूशन यानी कि आसान समाधान आप पाएं पंडित जी से। गुड लक आपसे सिर्फ एक कॉल दूर है। चलिए सीधे अब बात कर लेते हैं हमारे ब्रेक के बाद जो पहले दर्शक हैं। सुभाष जी दिल्ली से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। गुरु जी राधे राधे, चरण सपाट। श्री राधे। मैं दिल्ली से सुभाष गुप्ता बोल रहा हूँ जी। गुरु जी मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का जन्म है 9 जुलाई 1986, समय दोपहर 12:50। उसका भविष्य कैसा रहेगा, वो कुछ काम काज नहीं कर पा रहा है। और दूसरा बेटा है, उसका जन्म 6 अप्रैल 1990 है, सवेरे 6:23 दिल्ली। बड़े बेटे का भी जन्म दिल्ली में है, ये बंबई में नौकरी कर रहा है। इसकी शादी कब तक होगी, शादी का कोई योग नहीं दिख रहा, बहुत परेशान है। और क्या ये बंबई से दिल्ली ट्रांसफर होके आ जाएगा और भविष्य कैसा रहेगा। देखिए भाई सुभाष जी, आपके बड़े पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे द्वितीय सप्तमेश जो है चंद्रमा और बृहस्पति हैं। चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तेसाल नहीं हो रहा है बल्कि षडाष्टक योग है। बड़े बेटे के अंदर आपके महत्वाकांक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, एम्बिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक नौजवान लड़के के अंदर जो बेचैनी होनी चाहिए, मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, मुझे कुछ बनना है ज़िंदगी में, वो वाली बात उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। अब धीरे धीरे अगर देखिए तो वो 38 साल का हो रहा है, ऐसे में आदमी का करियर सेटल्ड हो जाना चाहिए और वो बिल्कुल एकदम सफलता के रेंज से बाहर है। अगर वो सफल होना चाहता है तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो नित्य राम रक्षा स्त्रोत का 5 बार सुबह 5 बार पाठ करना शुरू करें। अगर वो ये उपाय 2-3 महीने लगातार श्रद्धापूर्वक करें और अपना खान पान ठीक रखें, सूर्योदय से पहले सोकर उठ जाएं, नहाएं और सूर्य को जल दें, तो उनके अंदर एक ऐसी आग जलेगी, एक ऐसी मतलब इच्छा जागृत होगी कि मुझे भी दुनिया में कुछ करना है, और तब वो कर पाएंगे, तब उनका भविष्य सुधार पर
हो पाएगा। अभी ज्योतिष के हिसाब से कहा जाए तो उनका भाग्य बिल्कुल चारों तरफ से कैद है। हाँ, जहां तक छोटे बेटे का प्रश्न है तो सुभाष जी, मैं बहुत स्पष्ट बताऊं कि आपके छोटे पुत्र के भाव का स्वामी सूर्य है, उससे भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। सूर्य मंगल का परस्पर पंचम नवम संबंध है, वो अपने जीवन में ठीक कर रहा है। जहां तक उसके विवाह का प्रश्न है तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि विवाह में ज़्यादा विलम्ब की स्थिति नहीं है। चूँकि आपके बड़े बेटे की शादी नहीं हुई है इसलिए आप छोटे की ना करना चाहें तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फरवरी महीने तक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, और आप चाहेंगे तो अप्रैल मई तक ये विवाह हो भी जाएगा। रही बात उसके अभी ट्रांसफ़र की, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी स्थानांतरण में समय लगेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि की बात कर लेते हैं। आपकी आज की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक भी जानते हैं, साथ में शुभ रंग भी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी अभी भी वृश्चिक राशि में 17 अंश 14 कला पर गोचर कर रहा है और द्वितीय भाव में आपके केतु है, इसलिए लाभ तो आपका सीमित रहेगा। लेकिन यदि आपने किसी से कुछ लिया है, आपके ऊपर कोई ड्यूज है, कोई कर्ज है, तो ऐसे लोग आपके घर आ सकते हैं। समय का ध्यान रखिए, अपने जिम्मेदारी पर जो काम है उसको पूरा करिए, वरना नुकसान होगा। जीवन साथी से कलेश संभव है, माँ की सेहत की चिंता सताएगी, उधार लेने से बचें, गाड़ी संभल कर चलाएं, साबुन हल्दी नदी में प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, आपकी कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है, आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में अभी भी केतु की स्थिति है, लेकिन आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय बुध के साथ तृतीय भाव में अस्त हुआ पड़ा है। अस्त हुआ पड़े का मतलब है कि आपकी आमदनी स्थिर रहेगी, न बढ़ेगी न घटेगी, लेकिन अगर कहीं पैसा लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। आपके काम की तारीफ होगी, महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले पाएंगे, घर में मेहमान आ सकते हैं, जीवन साथी की सलाह जरूरी होगी, आलस्य बढ़ेगा, थकान महसूस होगी, सोच समझकर सलाह लेकर फैसले लें। अनाथ आश्रम में कुछ दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए जल्दी से तुला राशि की भी हम बात कर लेते हैं, आज आपका दिन कैसा रहने वाला है ये जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है 1 डिग्री पर। ऐसे में अगर देखा जाए तो शुक्र मकर के नवमांश में है और व्यय भाव में तुला राशि से केतु की स्थिति है। मुझे तो जो दिखाई दे रहा है भाई, तुला राशि के जातकों के खर्च बढ़ने की संभावना आज है, लेकिन एक अच्छी बात मुझे जो दिखाई दे रही वो ये कि यात्रा की भी संभावना है। आज अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, किसी खास से मुलाकात भी हो सकती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गुस्सा बिल्कुल ना करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक लक्ष्मी जी पोरबंदर गुजरात से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है कालचक्र में, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, अभी फोन लगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी ओम प्रकाश प्रजापति जी, बताइए। पोरबंदर, मेरे 2 प्रश्न है गुरु जी। मेरे बड़े बच्चे का नाम है नरेंद्र जी और उसकी जन्म तारीख है 2/9/1995 जी। उसकी शादी टिक नहीं रही है, 2 बार शादी हो गई, फिर पहली बार टूट गई और दूसरी शादी हुई तो वो उसकी बहू ने तलाक दिया। तलाक अभी तक दिया नहीं है, वो केस किया हम पर, वो केस चल रहा है, वो तो वो कब तक तलाक दे देगी गुरु जी? और मेरा दूसरा प्रश्न है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, हड्डियों में दर्द रहता है। लक्ष्मी, ऐसा है, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है,
तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी सूर्य और उसके पत्नी भाव का स्वामी शनि चतुर्थ दशम की दोनों स्थिति है, और ये अच्छा नहीं माना जाएगा कि दो दो शादियां ख़राब हो रही हैं। लेकिन जहां तक मुझे विश्वास है कि अगर म्यूचुअल आप तलाक करना चाहें तो मार्च तक कर सकती हैं, और अगर न्यायालय के द्वारा आप तलाक चाहती हैं तो उसमें अभी समय लग सकता है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारे पुत्र के वैवाहिक जीवन का कोई अभी बहुत अच्छा भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, और आपके स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है लक्ष्मी जी, तो आपको नसों का खिंचाव है, नसों में आपको ये रोग है। आपको चाहिए कि आप हर शनिवार को सरसों का तेल गुनगुना करके और उससे पूरे शरीर पर मसाज करके और गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, और शनिवार के दिन आपको आधा किलो सरसों का तेल, एक किलो काली उड़द की दाल और 8 सिक्के किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। ये उपाय अगर आप 7 हफ्ते करें तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी दवाई भी फायदा करेगी और आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आज का दिन आपके नाम है, यानी कि आज का ये खास शो जो है कालचक्र दर्शकों के लिए है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से नंबर डायल कीजिए और पंडित जी से लाइव जुड़िए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। तो आज वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते, आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, ये जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बुधादित्य योग चल रहा है, आपका राशि स्वामी मंगल भाग्य स्थान में नीच राशि में कर्क राशि में गोचर कर रहा है, ऐसे में धन लाभ के लिए योग तो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसका बेनिफिट आपको ना मिल पाए। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है, अपने बच्चों को समय दें, यात्रा से थकान और तनाव संभव है, किसी के दबाव में कोई काम न करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय माँ विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं धनु राशि की, जानते हैं आज का आपका राशिफल। धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि समय तो चंद्रमा आपकी राशि में है आज, और आपके वैभाव में सूर्य बुध हैं। अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया है, किसी तरह का लोन आप लेना चाहते हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन हो चाहे वो कोई लोन हो, वो मिल सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो लोन आप ले लेंगे, आज जिस लोन के पेपर पे आप सिग्नेचर कर लेंगे, मेरी बात आप मान लीजिएगा, ये लोन आप उतार नहीं पाएंगे और ये लोन दुर्गति करा देगा, क्योंकि मंगलवार को लिया हुआ कर्जा, आदमी दरिद्र हो सकता है लेकिन कभी उतार नहीं पाता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि चाहे जितनी भी परेशानी हो, मंगलवार को किसी से 1 रुपये का कर्ज कभी ना लें, चाहे वो बैंक से, चाहे वो प्राइवेट किसी व्यक्ति से, और चाहे अपने किसी व्यक्ति से। हाँ, ऐसा पैसा ज़रूर आप किसी से ले सकते हैं जिसका कोई इंटरेस्ट ना देना हो। अगर इंटरेस्ट नहीं देना है, केवल व्यवहारिक रूप से पैसे का लेन देन करना है, तो मंगलवार को कर सकते हैं। लेकिन जिसमें इंटरेस्ट या ब्याज शब्द जुड़ जाए, ऐसे पैसों के लेन देन से आपको बचना चाहिए। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा, किसी प्रिय से मुलाकात हो सकती है, ज़्यादा सोचने से बचना होगा, कोई आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। घर में फटे पुराने कपड़े या अनयूज्ड सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय माँ विंध्यवासिनी। और इस वक्त कालचक्र दर्शक अमल कांत जी जुड़ गए हमारे साथ गुरुग्राम से। स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी, नाम है सनी। जी, क्या जानना चाहते हैं अमरकांत? चलिए, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कनक गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जी
हेलो पंडित जी। हाँ बेटा बोलो। पंडित जी मैं आपका कालचक्र बहुत दिनों से देखती हूँ, 8-9 साल से। प्लीज आज एक कृपा कर दीजिए, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदा सुखी रहे। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे दीदी का लड़का है वो यूपी में रहती है, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। आज एक महीने से गायब है, छोटा बच्चा है, वो पीना बताए मतलब कहीं चला गया है। और हर जगह खोज लिए हैं, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। जो जो बताते हैं वो उसको मतलब उपाय कर रही है मेरी दीदी, मगर फिर भी नहीं आ रहा है। वो कैसे होगा, इस ठंड में आएगा कि नहीं आएगा, और है तो कहाँ है, किस दिशा में है। दूसरा प्रश्न है कि मेरा लड़का है 13 साल का, वो न पढ़ने में कुछ वो लेता है, ना कुछ उसको मतलब कुछ समझ नहीं आता है। बच्चों की तरह दिन भर खेलता रहता है, वो पढ़ने में एकदम जीरो मात्र है। उसके लिए क्या करें। अब मेरे कितने साल का बच्चा गायब हुआ है? 16 साल का है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ता था वो? पढ़ता तो मुझे पता नहीं है सर, मतलब वो डॉक्टरी जैसे कुछ पढ़ाई करता था। देखो बेटा, इसका जीवन जो प्रश्न के आधार पर मुझे दिखाई दे रहा है वो पूर्ण रूपेण सुरक्षित है, और मुझे पूरा विश्वास है 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच ये लड़का घर स्वतः से आ जाएगा या इसका पता चल जाएगा। आप अपनी बहन से कहें कि अगर वो चाहती हैं कि उनका बेटा सकुशल घर वापस आए तो 7 दिन लगातार 100-100 पाठ हनुमान चालीसा के किसी हनुमान मंदिर में बैठ करके करवाएं, दिया जलाकर। और बच्चे का पहना हुआ एक पुराना कपड़ा जो घर पर हो उसे किसी पत्थर के नीचे फर्श पर दबा दें और उसके ऊपर रोज शाम को एक तिल के तेल का दिया जला दें। ये उपाय 7 दिन करने के बाद वो जहाँ भी होगा वापस आएगा। एक बात पक्का जान लो कि वो लड़का कहीं जहाँ भी है अपनी इच्छा के अनुसार है और उसके आने का भी योग बना हुआ है, लेकिन ये योग 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में बन रहा है। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रश्न के आधार पर उसे आना ही आना है, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। जहाँ तक आपके बच्चे के पढ़ाई का प्रश्न है तो देखिए, उसको पढ़ाई का माहौल दीजिए। पढ़ाई का माहौल देंगी तो निश्चित रूप से पढ़ाई करेगा। चंचल है, चंचलता बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे पढ़ाई का महत्व समझाना चाहिए, पढ़ाई का माहौल देना चाहिए। और आपको चाहिए कि आप रोज़ सुबह शाम भगवान श्री राम की राम दरबार का चित्र लगाकर पूजा करें और प्रभु श्री राम से अपने बेटे के सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना जब स्वीकार होगी तो आपके बेटे में योग्यता का समावेश अपने आप हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए मकर राशि की हम बात कर लेते हैं और जानते हैं आज का आपका राशिफल। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है। आज अगर कोई आर्थिक योजना आप बना रहे हैं तो भविष्य में आपके लिए वो सुखकारी होगी, लेकिन आज बड़ी बात आपके लिए ये है कि आप नहीं चाहते होंगे वो भी यात्रा आपको करनी पड़ेगी। अपने काम पर ध्यान दीजिए, समय बर्बाद मत करिए, किसी से विवाद मत करिए। थोड़ी सी एंजाइटी या तनाव महसूस हो सकता है, और यदि जिंदगी से लापरवाही की तो कानूनी मामलों में भी फंस सकते हैं। चांदी की कोई भी चीज़ अपने पास आप रखिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ कालचक्र दर्शक गोपाल जी भोपाल से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी मेरा प्रणाम। सुखी रहिए भैया। हाँ, मेरा पहला प्रश्न ये है कि मेरा 3 साल से अभी ड्राइवर सीख रही वाइफ ने अप्लाई किया है और मेरा जन्म तिथि है 8/11/1959 और जन्म समय है 1:55 थाना सिकंदराबाद। क्या जानना चाहते हैं? अब ये मेरा परिवार जो जाएगा कि तलाक होगा,
और कब तक तलाक होगा तो कब तक होगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। आपका तलाक? हाँ, आप अपने तलाक की बात कर रहे हैं? जी 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 जी, मेरे पत्नी ने डाइवर्स केस किया है, मायके में बेटी उन्हीं के साथ में, बेटी ने विवाह। 65 साल की उम्र में तुम तलाक ले रहे हो? मैं नहीं ले रहा सर, उन्होंने किया है, मेरी तरफ से नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि जुड़ जाए, मिल जाएंगे लोग। अरे बाप रे, ये क्या हिंदुस्तान में देखना सुनना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, जो आपने प्रश्न किया है उसके आधार पे तो मैं बताऊं कि बुध और बृहस्पति परस्पर सप्तम हैं। अगर थोड़ा सा आपने 8 मई तक ये तलाक बचा लिया तो उसके बाद तलाक नहीं होगा, और 8 मई के पहले अगर तलाक हो गया तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, खैर, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हिंदुस्तान में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, चाहे पुरुष की तरफ से चाहे स्त्री की तरफ से, होना एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि की बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आज आपका भाग्य कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में शनि देव विराजमान हैं। आपके भाग्य भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है। आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन इसके बावजूद भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। सफलता पाने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम आपको उठाना चाहिए। परिवार की नज़र में खुद को साबित करने का दिन है। मन स्वस्थ रहेगा तो आप भी सेहतमंद रहेंगे। व्यर्थ की सोच सपने पूरे नहीं करेगी। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं अली राजपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले नीलेश राठौर, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद, स्वागत है आपका कालचक्र में। आपकी डिटेल पंडित जी के पास है, आप अपने सवाल कीजिए। हेलो। हाँ नमस्ते पंडित जी। हाँ सुखी रहे नीलेश जी। जी पंडित जी, वो हमारे मकान के बारे में पूछना। हमारे मकान पे एक सुमेल नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, तो वो हमें कब तक मिल जाएगा? और दूसरा सब प्रश्न है कि मेरी शादी कब तक होगी और शादी शुदा जीवन कैसा रहेगा? देखिए, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि आपके जन्म कुंडली 2 अगस्त 1998 की सुबह 8:40 पर अली राजपुर मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ। सिंह लग्न में आपका जन्म हुआ है। वृश्चिक आपकी राशि है। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, जो 29 मार्च 2025 तक रहेगी। आपके भूमि भवन वाहन भाव का स्वामी जो है वो मंगल है, जो अपने भाव से षडाष्टक योग बनाता हुआ एकादश भाव में शुक्र के साथ है। इसलिए मकान जो आपका, मतलब कि खाली नहीं हो रहा है, उसे आप न्यायालय और सरकारी सहयोग के ही माध्यम से खाली करवा पाएंगे। उसमें जानबूझ करके लड़ाई झगड़ा तकरार नहीं करना चाहिए, बल्कि कानून की सहायता लेना चाहिए। और अगर आप कानून की सहायता लेंगे तो मार्च 2025 के बाद आपका मकान खाली हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपने विवाह के लिए पूछा है, तो देखिए, वैसे तो आपकी उम्र 26 साल हो गई, लेकिन आप विवाह करेंगे तो विवाह नहीं करेंगे, विपत्ति में फंस जाएंगे। क्योंकि आपके विवाह भाव का स्वामी शनि अपनी नीच राशि में आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। पत्नी ऐसी आएगी कि आपके जिंदगी में एकदम कोहराम मच जाएगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि विवाह ही मत कीजिए, लेकिन विवाह करने के पहले शनि की शांति करा लीजिए। और शनि की शांति कैसे होगी? ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप आप 102 दिन लगातार करिए, और 102 दिन पर किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में हवन का कार्यक्रम करिए। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करिए, उसके बाद विवाह के बारे में सोचिए। और नहीं तो आपके विवाह भाव का स्वामी शनि नीच राशि में, आपके भाग्य स्थान में और नीचांसक में है। ये विवाह निश्चित रूप से आपके खुशियों में आग लगा देगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। शनि की शांति करके विवाह करेंगे तब विवाह सामान्य हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए पंडित जी से मीन राशि वालों का आज का राशिफल जान लेते हैं। मीन राशि में राहु की स्थिति है भाई, व्यय भाव में शनि है, धन भाव का स्वामी मंगल पंचम भाव में स्थित है, पुराने निवेश से आज लाभ मिलेगा। आज तत्काल किया हुआ कोई काम आपका फलदायी नहीं होगा, लेकिन अगर पुराना कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। धन संभालिए, समय बर्बाद मत करिए और अपने काम पर पूरा ध्यान दीजिए। अचानक आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, पुराने रोग में आराम मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा जोश में न आए कि होश खत्म हो जाए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय माँ विंध्यवासिनी। और बनारस से इस वक्त मधुरानी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। पंडित जी प्रणाम कर रही हूँ आपको। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी मैं मधुरानी बनारस से बोल रही हूँ। पंडित जी हमें अपने बच्चों के बारे में बहुत पूछना है। पंडित जी मेरा लड़का है 15 अगस्त 1994 सुबह 3:20 पर हुआ है, और लड़की है मेरी पंडित जी 16 दिसंबर 2003 पर शाम को हुई है पंडित जी। पंडित जी हमें अपने लड़के के बारे में पूछना था कि उसका करियर कैसा रहेगा पंडित जी, और तना से लड़का का जो है विवाह कब कैसे होगा, उसका जीवन साथी कैसा रहेगा, और लड़की के बारे में सर उनकी लड़की मेरी मतलब उसकी करियर क्या है, मतलब रहेगी, उसकी शादी कब होगी, पंडित जी यही पूछना था। मधु ऐसा है कि जो आपने प्रश्न किया है उसके आधार पर आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति 6ठे भाव में बैठा हुआ है, बुध बृहस्पति दोनों की स्थिति परस्पर सप्तम इसराफ योग बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी आपके बेटे का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, अभी आपका बेटा किसी कार्य क्षेत्र में ठीक से सफल नहीं हो पा रहा है। और मधु बुध और बृहस्पति की सप्तमस्थ स्थिति कोई अच्छा रिश्ता भी सामने से नहीं आ रहा है। अब ये 30 साल का हो गया है, विवाह की इसकी उम्र भी हो गई है, लेकिन सामने से कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है जिसे पसंद किया जा सके। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य है। अगर ये नित्य प्रातः उठ करके स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य को जल देना शुरू करे और 108 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू करे तो मुझे विश्वास है कि 6 महीने के अंदर ये अच्छे से रोजगार परक भी हो जाएगा और विवाह की भी अच्छी संभावना बन जाएगी। सूर्य की बिना उपासना के न तो ये अच्छा रोजगार परक हो सकते हैं, न इनके अंदर आत्मविश्वास आ सकता है और न ही आगे का भविष्य अच्छा हो सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। बेटी का भविष्य अच्छा है, बेटी के विवाह के लिए जब भी आप प्रयास करेंगी उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कॉलर्स स्पेशल कालचक्र बहुत पसंद आया होगा, लेकिन समय के चलते जिन दर्शकों की आज भी पंडित जी से बात नहीं हो पाई वो परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि अब हम हफ्ते में एक दिन आपके लिए कॉलर्स स्पेशल कालचक्र लेकर आएंगे जिसमें पूरे 1 घंटे सिर्फ आपकी कॉल्स ही ली जाएंगी और पंडित जी आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।